Hi friends, this is Poonam Badola and I welcome you all to your very own channel, Half Fry Zindagi. दोस्तों आज मैं आपके लिए जो कविता लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है उसे जीते देखा है उसे मरते देखा है। कुछ यूं लिखा है, मैंने उसे जीते देखा है, मैंने उसे मरते देखा है, मैंने उसे जीते देखा है, मैंने उसे मरते देखा है, कि मैंने उसकी मासूमियत को देखा है, मैंने उसकी रूहानियत को भी देखा है, कि मैंने बचपन को उसके इतराते देखा है और जवानी को उसके शर्माते देखा है, कि मैंने उसे खिलखिलाते देखा है, मैंने उसे खारे पानी में गोते लगाते देखा है, मैंने उसे हक जताते देखा है, मैंने उसे हक के लिए गिड़गिड़ाते भी देखा है, कि मैंने उसे जीते देखा है, मैंने उसे मरते देखा है, कि मैंने उसे डोली चढ़ते देखा है, सुर्ख लाल रोली रंगते देखा है, कि मैंने उसे पीहर का मान बनते देखा है, पिया की शान बनते देखा है, कि मैंने उसे घर जगमगाते देखा है, उसी चार दीवारी में उसे झुलसाते देखा है, कि मैंने उसे जीते देखा है, मैंने उसे मरते देखा है, कि मैंने उसे भेड़ियों पे गरजते देखा है, मैंने उसे भेड़ियों के बीच तड़पते भी देखा है, कि मैंने हया को उसकी लुटते देखा है, उस मजलूम को जमाने से छुपते भी देखा है। पता है मैंने जमाने को उसका तमाशा करते देखा है, पता है मैंने जमाने को उसका तमाशा करते देखा है और उसे उसी तमाशे का तमाशबीन बनते देखा है, कि मैंने उसे घुटते देखा है, हर पल मरते देखा है, कि मैंने उसे बदनामियों में सिमटते देखा है, मैंने उसे जीते देखा है, मैंने उसे मरते देखा है। दुआ करूंगी दोस्तों कि एक दौर आए जब मैं कह सकूं कि मैंने उसे खुद के लिए अड़ते देखा है, जमाने से लड़ते देखा है, कि मैंने उसे गुनगुनाते देखा है, आजकल मुस्कुराते देखा है, कि मैंने उसे सवरते देखा है, खुशियों के हर्फ खर्च करते देखा है, कि मैंने उसे मुकाम बनाते देखा है और ऊंचाइयों को उन मुकाम पर पहुंचाते देखा है, मैंने उसे बर्बादियों को बर्बाद करते देखा है और गुमनामियों को आबाद करते देखा है। हाँ मैंने उसे वीरान होते देखा था, हाँ मैंने उसे वीरान होते देखा था, और आज मैंने उसे गुलजार होते देखा है, कि मैंने उसे जीते देखा है, उसे मरते देखा है, कि मैंने उसे जीते देखा है, मैंने उसे मरते देखा है। शुक्रिया दोस्तों आपके सपोर्ट के लिए, साथ में बने रहने के लिए। दोस्तों जमाने में बदलाव आया है और इसीलिए लड़कियां चांद तक भी पहुंची हैं, पर अभी भी एक तबका ऐसा है जिसकी वजह से शारीरिक और मानसिक किसी ना किसी शोषण का शिकार लड़कियां घर या घर के बाहर होती आई हैं, हो रही हैं। दोस्तों बात निकली है तो दूर तक जानी चाहिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बात को दूर तक जाने दीजिए। इसी वादे के साथ की जल्द मुलाकात होगी, विदा लेती हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और शायराना रहिए और समाज में किसी ना किसी बदलाव की वजह बनते रहिए। शुक्रिया।